मतलब सभी नेचर दीदी जो भी है उनको नेचर दीदी के नाम से जाना जाता है, और जो भी जेंट्स आते हैं जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं उनको नेचर भैया बोले जाते हैं। मतलब यहाँ एक सिलाई प्रशिक्षण ही नहीं हो रहा है, यहाँ सब कुछ का मतलब दिया जा रहा है सुविधा, बोल चाल कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बाहर चलना है, सब चीज के बारे में बताया जाता है। मतलब स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ यहाँ ये तो पहले कभी नहीं हुआ था, ये तो सीओ सर के आने के बाद ही ऐसा। सीओ से पहले जानते थे कि सीओ होता है? नहीं, सीओ होता था ये जानते थे, लेकिन कभी मतलब गांव में नहीं जाते थे और ना ही जैसे लेडीज लोग को इतना सहयोग किए कि आप लोग सीखिए, आप लोग जाइए कुछ बाहर जाके सीखिए, ये ऐसा मतलब कोई भी सीओ आके हम लोग से कभी बात नहीं किए हैं। लेकिन पहली बार है कि सीओ सर खुद गांव-गांव जाके सारी दीदी महिला को सबको इकट्ठा करके समझाएं और बुलाएं, तब आज यहां तक मुकाम पहुंचे हैं। वो ऐसा बोलते थे कि बस दिल में इनकरेज हो जाता था कि बस अब ये काम करना है हमें। अच्छा, वो ऐसे बोलते थे कि वो मोटिवेशन हमारे लाइफ में उतर जाता था। हाँ। इतना अच्छा वो स्पीच देते छोटी थे। देखे हम कभी जीवन में नहीं देखे, जब देखे तो इन्हीं को देखे हम सर को। पहली बार किसी देखे सीईओ को जाने, किसी सीईओ को आज तक सीईओ को हम देखे नहीं किए, जो देखे वो मेरा नजर के सामने है। देख लीजिए, कहते हैं सीईओ तो होता है लेकिन देखे ही नहीं कि कैसा सीईओ होता। आज पहली बार जाने की सीईओ। हाँ, 3 महीना से हम लोग 4 महीना से जान रहे हैं उनका खासियत, मतलब सितंबर से मतलब विकास हो रहा है ना बाजार में, तब हम लोग जाने। और यहाँ के लोगों को वो जगाने का काम किए। सबसे बड़ी खासियत उनकी ये थी कि वो जात पात से दूर, धर्म से दूर रहकर के सबको एक सूत्र में बांधे। अच्छा, इसलिए मैंने उनको जब मेरा उनका स्थानांतरण हुआ था तो मैंने हल्का सा एक कविता लिखा था। अच्छा। कभी नहीं सोचा सपनों में ऐसा दिन भी आएगा, आज जिन कर कमलों पौध लगाया, यह पौध जो देख रहे हैं नीचे विलेज के रूप में जो पौधा उन्होंने लगाया था, कभी नहीं सोचा सपनों में ऐसा दिन भी आएगा, आज जिन कर कमलों पौध लगा था वो हाथ हिला कर जाएगा। क्योंकि मैं भावुकता बस मैंने ये कविता लिखा, ये काफी इसमें कई छंद है। खासियत की तो सर सही पूछा जाए तो कई बातें हैं उनमें खासियत। हम तो यही कहेंगे कि सर हमारे जो है, हम लोग सोए हुए थे, हमारे समाज के लोग सोए हुए थे और वो यहाँ पे आ करके हम लोग को जगा दिए हैं और समाज को एकजुट करने में उनका पूर्ण योगदान है। देखिए ये जो मुस्कान देख रहे हैं चेहरे पर, क्या निर्भय प्रताप सर के कितना योगदान है? बहुत ज़्यादा योगदान है निर्भय प्रताप सर, उन्हीं के कारण तो सब जो दीदी लोग सिलाई नहीं सीख पाती है घर में रहती है। अच्छा, उनको मौका मिला बाहर जाने के लिए सीखने के लिए कुछ। अच्छा। कि अपना भी सीख लेगी, रोजी रोटी करेगी खुद से। हाँ। सीओ सर तो बहुत सहयोग कर रहे हैं। हाँ। महिलाओं के लिए। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा सीओ देखे क्या? कभी नहीं, पहली बार देखे हैं। पहली बार देखे हैं। महिलाओं को जागरूक करने के लिए घर पर जाकर जा के और सबको सारी महिला को इकट्ठा करके खुद से जाते थे और सारी दीदी लोग को बुला के इकट्ठा करके समझाते थे। हाँ। कि सीखिए, आप लोग को भविष्य में काम आएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताते थे। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी मैं जम्मू जिले लक्ष्मीपुर प्रखंड के मटिया बाजार में हूं और यहां पर जानते हैं एक संस्था चलती है जिसका नाम है नेचर विलेज, एनजीओ है। और इस नेचर विलेज का संस्थापक यानी फाउंडर पूर्व अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह जी हैं, जो एक कहिए कि अंचलाधिकारी के साथ साथ मटिया बाजार का तस्वीर बदलने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में पहला ऐसा सीओ होगा जो इस काम को नहीं, ग्रामीण कितने प्रभावित हैं और उनके विषय में जानेंगे और नेचर विलेज का क्या उद्देश्य है, ये तमाम चीजें के विषय में जानेंगे। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं, शायद आप इनके विषय में जानेंगे तो तारीफ करने से आप भी नहीं चुकेंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम, इनका नाम, इनका काम बताता है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं नेचर विलेज के जो सदस्य हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या बात है, क्या खासियत है और नेचर विलेज क्यों मतलब अब इतना पॉपुलर हो चुका है जम्मू में। तो क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम महेश मंडल हुआ, मैं नेचर विलेज का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, नेचर विलेज के अध्यक्ष हैं। नेचर विलेज का कौन है फाउंडर? नेचर विलेज का सर फाउंडर हम लोग के माननीय श्री निर्भय प्रताप सिंह जी हैं। अच्छा, जो
पूर्व में हमारे लक्ष्मीपुर अंचल के अंचलाधिकारी, अभी वर्तमान में वो नवादा जिला में है। अभी नवादा जिला चले गए हैं जी। क्या खासियत है निर्भयसर में ऐसा जो कि आप लोग जुड़े नेचर विलेज से? खासियत की तो सर सही पूछा जाए तो कई बातें हैं उनमें खासियत। हम तो यही कहेंगे कि सर हमारे जो है हम लोग सोए हुए थे, हमारे समाज के लोग सोए हुए थे और वो यहाँ पे आकर के हम लोग को जगा दिए हैं और समाज को एकजुट करने में उनका पूर्ण योगदान है। सामाजिक तौर पर जी सर, क्योंकि वो तो सीओ है, सीओ का काम होता है कागज पत्र अपना। बिल्कुल सर, हम आज तक अपने लाइफ में ऐसा सीओ नहीं देखे जो कि अंचल का काम को, सीओ का काम अंचल का काम करना समाज में लोग नहीं करते हैं। पहला बार हम ऐसे पदाधिकारी को देखे जो कि समाज के बारे में चिंतित रहते हैं और सोचते हैं। लाइफ में नहीं देखे सर? जी नहीं देखे सर, हम नहीं सर बल्कि हमारे समाज के लोग ऐसा नहीं देखे। पूरे समाज की बात कर रहे हैं? जी पूरे समाज की बात कर रहे हैं सर। आज तक ऐसा नहीं देखे? ऐसा नहीं देखे। क्या क्या मतलब खासियत है जो कि आप? खासियत तो सर सबसे पहला उदाहरण आप जो देख रहे हैं नेचर विलेज, जो आज उनका मतलब सही मामले में कहा जाए तो उनके द्वारा ये पौधा लगाया गया है जो आज फल फूल रहा है और इसके द्वारा, इस नेचर विलेज के द्वारा हम लोग यहाँ पे सिलाई मशीन का भी कार्यक्रम है, बच्चे लोग को यहाँ सिलाई सिखाया जा रहा है ताकि महिला आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और साथ ही साथ यहाँ पे कुटीर उद्योग लगाया गया किचन में उपयोग होने वाले मसाले का सर। अच्छा, जो 100% शुद्ध है। अच्छा। अभी के डेट में हमारे यहाँ जो भी दुकानदार लोग हैं, लोकल लोग हैं, इसी मसाले को यूज कर रहे हैं सर। अच्छा। मटिया पूरे बाजार? जी सर, इसी मसाले को मटिया इसी बने सर हमारा तो यहाँ से अभी दिघी, जिनारा, आपका गौरा, धरवा, मरैया, हाँ। लक्ष्मीपुर, पाड़ो तक हम लोग का मसाला सर हर दुकान हर घर तक जा चुका है। क्षेत्रों में इस मसाला जाना शुरू हो गया। जी जी देखिए मैं क्या बताऊं, जैसा कि अभी बता रहे थे सर कि अपने लाइफ में ऐसा अंचलाधिकारी यानी ऐसा सीओ आज तक नहीं देखे हैं जो सामाजिक को बिखरे हुए चीजों को एकत्रित किए, और एकत्रित किए ही नहीं बल्कि इस मटिया में आप आएंगे और उनके विषय में जानेंगे तो आप भी शायद उनका फैन हो जाएंगे। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बाकी उनका काम पर आप भी बड़ाई करने लगेंगे। लेकिन और है मेरे साथ बात करने के लिए, क्या नाम है आपका? भगवान यादव। आप भी नेचर विलेज के सदस्य हैं क्या? की ग्रामीण है? नहीं, यहाँ का बिल चलाते हैं हम ही। अच्छा, आप मतलब क्या मतलब खासियत है नेचर विलेज का? नेचर विलेज का खासियत है कि सब मसाला जितना भी है शुद्ध पीस के प्लास्टिक में जो ऐसे पैक करके भेजते हैं दुकान दुकान। अच्छा, मतलब यहाँ मसाला देते हैं? और सिलाई मशीन चल रहा है। सिलाई मशीन में क्या पैसा भी लगता है? पैसा नहीं लगता है, 1000 रुपया सिखाने के लगता है। अच्छा, सिखाने लगता है, बाकी बात फिर अलग अलग जगह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है? रखा गया है तीन को। अच्छा, तीन को रखने रखे सिखाने के लिए, रखाने के लिए। चलिए, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अवधेश कुमार मंडल हुआ। अच्छा, आप? और मैं नेचर विलेज संरक्षक जो हमारे माननीय निर्भय प्रताप सिंह जी हुए, जो अभी वर्तमान में नवादा के सिलसिला के अंचलाधिकारी हैं। अच्छा अच्छा। और पूर्व में लक्ष्मीपुर में इनका स्थापना पदस्थापन था। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये नेचर विलेज में आज जो कुछ भी दिख रहा है वो सबसे बड़ा योगदान उन्हीं को जाता है। और मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, भारतीय वायुसेना से रिटायर हूँ। जी जी। और मैं अकाउंट्स ब्रांच से मैं रिटायर हूँ। अकाउंट्स ब्रांच मेरा था, पेरेंटल ब्रांच अकाउंट्स था। और जब मैंने इनसे मिला मुझे लगा कि ये समाज से भी ज्यादा अधिकारी कम है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपना जो ऑफिशियल वर्क होता है, जो सरकारी अधिकारी के नाते जो उनको अपना कर्तव्य दिया जाता है, ड्यूटी दिया जाता है, उसको फुलफिल करते हुए उसके बाद ये नेचर विलेज के कार्यालय में बैठना होता था। और इनका मेरी समझ लगता है कि 24/7 उनका वर्किंग आवर्स होता था। 24/7 जी, जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी जी कह लीजिए आप दूसरी भाषा में। क्योंकि अपना काम भी छोड़ते नहीं थे, अपना काम करते हुए नेचर विलेज को बहुत समय देते थे और यहाँ के लोगों को जगाने का काम किए। सबसे बड़ी खासियत उनकी ये थी कि वो जात पात से दूर, धर्म से दूर रह करके सबको एक सूत्र में बांधे। अच्छा, इसलिए मैंने उनको, जब मेरा उनका स्थानांतरण हुआ था तो मैंने एक हल्का सा कविता लिखा था। अच्छा। कभी नहीं सोचा सपनों में ऐसा दिन भी आएगा, आज जिन कर कमलों पौध लगाया, यह पौध जो देख रहे हैं नीचे विलेज के रूप में जो पौधा उन्होंने लगाया था, कभी नहीं सोचा सपनों में ऐसा दिन भी आएगा, आज जिन कर कमलों पौध लगा था वो हाथ हिला कर जाएगा। क्योंकि मैं भावुकता बस मैंने ये कविता लिखा, ये काफी इसमें कई छंद हैं और मैं कविता जब भी पढ़ता हूँ तो मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। और मुझे ये लगता है कि निर्भय प्रताप सिंह जी जहाँ भी हैं आज,
फिर भी हम लोगों से संपर्क में रहते हैं। अच्छा अच्छा प्रत्येक दिन यहाँ का जो है क्रियाकलाप से वो अवगत होना चाहते हैं और अवगत होते हैं, दिन हो रात हो हम लोग थक जाते हैं वो नहीं थकते, ये मैं जरूर कहूंगा। यानी आप देखिए, मैं आया था नेचर विलेज का फीडबैक लेने कि नेचर विलेज किस उद्देश्य पर काम करती है, क्या काम करती है, लेकिन यहाँ व्यक्ति विशेष लोग उनके विषय में बोलने से थकते नहीं है। और जैसा कि सर कविता सुनाए, भावुकता भरी कविता सुनकर के शायद ही पूरा कविता सुनेंगे तो आप भी रो लेंगे, उनका कार्य ऐसा ही था। और आज भी मटिया बाजार आप आएंगे तो जम्मू जिले के सबसे स्वच्छ बाजारों में से एक होगा। और यहाँ पर और कई विशेषताएं इनका क्या है कि यहाँ पर देखिए सिलाई मशीन चला सेंटर है और नेचर विलेज के द्वारा ये सिलाई सेंटर चलता है। क्या नाम है छोटी? काजल रानी। काजल कब से सीख रही है? हो गया 2 महीने। अच्छा 2 महीना से सीख रही है, क्या सीख लिए, कैसा सिखाते हैं यहाँ? बहुत अच्छा सिखाते हैं। अच्छा निर्भय सर के विषय में क्या कहेंगे, कैसा मतलब वो बातचीत करते थे आप लोगों से? हाँ बहुत अच्छे सर थे। हाँ। वो पढ़ाने के प्रति क्या जागरूक करते, क्या बोलते थे उनका एक बात? वो ऐसा बोलते थे कि बस दिल में इनकरेज हो जाता था कि बस अब ये काम करना है हमें। अच्छा वो ऐसे बोलते थे कि वो मोटिवेशन हमारे लाइफ में उतर जाता था। हाँ। इतना अच्छा वो स्पीच देते थे। छोटी बच्ची है, उनकी का देन है इस तरह से बोलती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? अभी मैं बीए में। अच्छा बीए में पढ़ती है। हाँ। उनका बातें सबसे अच्छी बातें क्या और लगता है? वो बहुत अच्छा बोलते थे, मतलब अब कैसे बताऊं। उनके कार्य भी बहुत अच्छे थे, मतलब जैसा उन्होंने मोटिव किया हम लोग बस ये चाह रहे कि अब हम सीख जाएं। अच्छा, इतना अच्छे। हाँ। मोटिवेट करते हैं वो। उनके आने से मटिया का तस्वीरें क्या बदला? बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ डिसिप्लिनरी सेंसियरिटी। अच्छा। और क्या बोलूं। यानी देखिए और है यहाँ नेचर दीदी के नाम से ये लोग जाने जाती है। नेचर दीदी क्या नाम है आपका? खुशबू कुमार। देखिए ये जो मुस्कान देख रहे हैं चेहरे पर, क्या निर्भय प्रताप सर के कितना योगदान है? बहुत ज्यादा योगदान है निर्भय प्रताप सर, उन्हीं के कारण तो सब जो दीदी लोग सिलाई नहीं सीख पाती है घर में रहती है। अच्छा, अच्छा। उनको मौका मिला बाहर जाने के लिए सीखने के लिए कुछ। अच्छा। कि अपना भी सीख लेगी, रोजी रोटी करेगी खुद से। हाँ। सीओ सर तो बहुत सहयोग कर रहे हैं। हाँ। महिलाओं के लिए। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा सीओ देखे कभी? कभी नहीं, पहली बार देखे हैं। पहली बार? पहली बार देखे हैं। महिलाओं को जागरूक करने के लिए घर पर जाकर जा के। हाँ। और सबको सारी महिला को इकट्ठा करके खुद से जाते थे और सारी दीदी लोग को बुला के इकट्ठा करके समझाते थे। हाँ। कि सीखिए आप लोग को भविष्य में काम आएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताते थे। कुछ का मतलब घर में घर वाला जो होता है। हाँ, किसी को मना करते थे तो उनको भी। हाँ। हम लोग जो दीदी लोग जुड़ गई है वो दीदी लोग फिर समझाते थे तो फिर सब कुछ मतलब हो जाता था मैनेज। किसी किसी के गार्जियन नहीं बोलते थे लेकिन बहुत सारी दीदी लोग जब आने लगी है तो उनको देख के उत्सुक होने लगी है। हाँ, क्या नाम है? खुशबू कुमारी। कहाँ घर हुआ? यही मटिया मोहनपुर। अच्छा, मटिया मोहनपुर घर हुआ। आपका क्या नाम हुआ दीदी? रिंकू कुमारी। अच्छा, क्या फील करते हैं यहाँ इस नेचर विलेज जुड़ने के बाद? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग, क्या आगे बढ़ने का मौका मिला है। अच्छा अच्छा, और इसका क्या खासियत है? खासियत है हम लोग सिलाई प्रशिक्षण दिया दे रहे हैं, वो सर निर्भय प्रताप सर का मतलब गुण है। अच्छा। उसमें इतना बदलाव है कि पूरा मटिया को बदल दिए हैं। पूरा मटिया को बदल दिए? हाँ, बदल दिए। हम लोग आने जाने में रोड में बहुत परेशानी होता था, अब कोई परेशानी नहीं। पहले परेशानी होता था। हाँ। जैसे में क्या? जैसे मैं रोड में मतलब नाला उला का भी काम करवाए, साफ करवाए। अच्छा, अच्छा। तो हम लोग को अब रोड चढ़ के नहीं जाना पड़ता है, साइड से ही चल जाते हैं। ऐसे थोड़ा दिक्कत होता था, गाड़ी भी आ जाती थी। यानी अतिक्रमण मुक्त कर दिए। हाँ, बाजार को। हाँ, बाजार को मतलब बहुत चमका दिया। ऐसा सीओ देखे हम कभी जीवन में नहीं देखे, जब देखे तो इन्हीं को देखे हम सर को। पहली बार देखे सीओ को। जाने किसी सीओ को, आज तक सीओ को हम देखे नहीं किए, जो देखे वो मेरा नजर के सामने है। देख लीजिए, कहते हैं सीओ तो होता है लेकिन देखे ही नहीं कि कैसा सीओ होता है। आज पहली बार जाने की सीओ होता। हाँ, 3 महीना से हम लोग 4 महीना से जान रहे हैं उनका खासियत, मतलब सितंबर से मतलब विकास हो रहा है ना बाजार में, तब हम लोग जाने।
अच्छा सितंबर से। हाँ पहले क्या होता था उतना नहीं जानते थे ना हम लोग, घर में रहते थे। अच्छा। लेकिन बाजार आए तो बाजार में देखे थोड़ा विकास हो रहा है, नाला उला साफ करवा रहे थे तो पूछे कि क्या हो रहा है, तो बोल सब सीओ सर कर रहे हैं झाड़ू, अपने से खुद गांव गांव में लगाए सब रोड में भी। आपके गाँव में भी झाड़ू सीधे लगा? हाँ मेरे गाँव में भी मटिया में लगा है ना, अपने से लगाते थे। अपने से लगाते थे, भी जाते थे मीटिंग करने के। रात में 10 से 11 बजे तक यही मतलब नेचर विलेज का ऑफिस में बैठे हुए रहते थे, उनका गाड़ी 12 बजे तक लगा हुआ रहता था रात में। हाँ कभी कभी 12 बजे तक भी रहता था। बताइए मतलब इतना काम के पड़ता। और क्या बोल रहे थे दीदी आप, और नेचर विलेज में और लोगों को जुड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ऐसा यही हम जैसे जो जो दीदी आ रही है, अब कोई दीदी यहाँ आ रही है सीखने के लिए, तो ये जो संस्था खुला है एक दूसरे से जागरूक हो रहा है। अच्छा, अच्छा। मतलब कि अब एक आ रही है महिला तो उसको देखा है इसकी, मतलब और भी आ रही है। पहले तो ज्यादा नामांकन नहीं था, अभी तो 38-39 को हो चुका है। अच्छा 38-39 महिलाएं यहाँ आ रही है, थोड़ा कुछ किसी का मतलब फंक्शन चल रहा है तो नहीं आ पाई है आज कुछ दीदी, फिर भी जुड़ रहा है। हाँ सभी दीदी यहाँ आने लगी है देख के और यहाँ प्रशिक्षण ले रही है, और यहाँ का जो नेचर है वो वातावरण बहुत ही अच्छा है। मतलब सभी नेचर दीदी जो भी है उनको नेचर दीदी के नाम से जाना जाता है, और जो भी जेंट्स आते हैं जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं उनको नेचर भैया बोले जाते हैं। मतलब यहाँ एक सिलाई प्रशिक्षण ही नहीं हो रहा है, यहाँ सब कुछ का मतलब दिया जा रहा है सुविधा, बोल चाल कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे अच्छा। बाहर चलना है, सब चीज के बारे में बताया जाता है। मतलब स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ ये तो पहले कभी नहीं हुआ था, ये तो सीओ सर के आने के बाद ही ऐसा। सीओ से पहले जानते थे कि सीओ होता है? नहीं सीओ होता था ये जानते थे, लेकिन कभी मतलब गांव में नहीं जाते थे और ना ही मैं जैसे लेडीज लोग को इतना सहयोग किए कि आप लोग सीखिए, आप लोग जाइए कुछ बाहर जाके सीखिए, ऐसा मतलब कोई भी सीओ आके हम लोग से कभी बात नहीं किए हैं। लेकिन पहली बार है कि सीओ सर खुद गांव-गांव जाके सारी दीदी महिला को सबको इकट्ठा करके समझाएं और बुलाएं, तब आज यहां तक मुकाम पहुंचे हैं। चलिए आपका क्या नाम है? पूनम कुमार। कब से सीख रही है? 2 महीना हो गया। सीखने क्या मतलब कैसा यहाँ सिखाते हैं? बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। नहीं बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। बहुत अच्छा सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अच्छा सीओ सर रहते थे तो क्या मतलब कुछ ऐसा बात बोलते थे सीओ सर का, याद है कुछ बातें जो अच्छा लगता? उसका बोली स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता था। और आप लोग पढ़ने के प्रति पढ़ाई करती है? पढ़ाई हाँ। कौन सी क्लास में? इंटर में। इंटर में है, उसके लेकर के भी बोलते होंगे सर पढ़ने के लिए? हाँ बोलते हैं पढ़ो आगे बढ़ो। हाँ। सब सब काम करना चाहिए। अच्छा इससे पहले जानती है कि सीओ क्या होता है? जानते थे पर देखे नहीं थे। अच्छा जानती थी लेकिन देखे नहीं कभी? नहीं, इनके आने से ही पता चला कि सीओ हाँ, होता है। देखिए जैसा कि देखिए यहाँ पर सिलाई सेंटर चलता है, और मैं बता दूं कि अभी लगभग 40 से अधिक यहाँ एडमिशन हो चुका है, और इस संस्था को जुड़ने के लिए बहुत इजी प्रक्रिया है, कोई ऐसा ना आप आकर के आप भी जुड़ सकते हैं। और मैं बता दूं कि शायद ये सीओ के मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी एक बार जरूर मटिया बाजार आइए, उसके बाद इनके कारनामे सुनेंगे, और कारनामा कैसा तो यहाँ की जनता बताएगी कि ये सीओ साहब आखिर में होता क्या है। और अपना मैं अपना भी एक मैं बात बोलूं कि इनका जैसा कि नाम है, नाम नेचर रखे हैं, एनजीओ का नाम नेचर भैया नेचर दीदी, और इनका नाम है निर्भय प्रताप, और वास्तविकता में ये निर्भयता जो होता है वो